हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ्स। तो क्लास टेंथ की मैथ्स पढ़ने वाले हैं आज। तो क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो बच्चों, इसमें हमें शून्य निकालना है। तो इसका शून्य क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे हम, जो पहला है इसकी मल्टीपल क्या है, 1 है, तो उसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 वन ज़ा 8। तो फिर हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर करने के बाद क्या आएगा हमारा, 2 × 2 × 2। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसका हमें फैक्टर करना है इस तरीके से कि इसका जो सम है हमारा बीच वाला आना चाहिए, यानी माइनस का 2x आना चाहिए। सम या माइनस करने पे हमारा माइनस का 2x आना चाहिए और मल्टीपल कितना आना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ गया, 4x आ गया, प्लस में 2x कर देंगे तो उसका सम एंड प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा एंड मल्टीपल कितना आ रहा है, 8x स्क्वायर, यानी बिल्कुल सही है। अब 2-2 का पेयर बना देंगे, हमने 2-2 का पेयर बना दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो बीच वाला है x-4 दोनों में सेम आना चाहिए, दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, x+2, जैसे कि आपने पहले 8th क्लास में कर रखा है। अब हमें पता है कि ये इक्वल टू 0 होता है, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x-4 = 0 और x+2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो इसके शून्य क्या है, 4 - 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4x² - 4x + 1। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो फिर हम 4 का फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर तो पता ही है, 2 × 2। अब आप सभी ने तो पढ़ी रखा है कि 8th क्लास में इसका फैक्टर कर लेंगे पहले, उसके बाद उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, देन उसके बाद इसके जीरोस आ जाएंगे, यानी कि शून्य आ जाएगा। तो उसको पहले हम फैक्टर करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर 2s-1 दोनों जगह आना चाहिए। तो इसका फैक्टर आ गया है 2s-1। अब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, देन आप 2s-1 = 0 एंड 2s-1 = 0। अब यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, और यहाँ पर भी हमारा सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह हमारा सेम है। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यानी 1/2। तो हमारे शून्य कितने आ गए, 1/2 1/2, दो शून्य आ गए। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आगे पीछे है, तो इसको हमें पहले सही टर्म में लिखना है। तो हमने पढ़ा है कि ax² + bx + c हमें इसकी फॉर्म में लिखना होता है, जिसमें c हमारा लास्ट रो होता है और c क्या होता है, हमारा अचर। तो अचर इसमें क्या है, 3 है, तो माइनस का 3 हम लास्ट में लिख देंगे। यहाँ भी हम सेम फैक्टर कर लेंगे जैसे हमने ऊपर कर रखा है। तो बच्चों, फैक्टर बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये आपको आता ही है, क्योंकि ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, और जिसको नहीं आता है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फैक्टर का, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं, जिसको नहीं आता है उसके लिए। तो इसका फैक्टर आ गया है 2x - 3 3x + 1। अब इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे,
तो यहाँ पर हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया एंड आगे हो गया 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई है 3/2 और इसमें x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, तो इसके भी 200 नेक आ गए हैं 3/2 और माइनस 1/3। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।